नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आपका टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप अपने फोन पे के उस यूपीआई पिन को भूल चुके हैं जो यूपीआई पिन आपने अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे अकाउंट में ऐड करते समय सेट किया था, जिसके कारण दोस्तों अब आप अपने फोन पे से अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक नहीं कर पा रहे हैं और आप नहीं जानते हैं कि हम कैसे अपने फोन पे के उस यूपीआई पिन को चेंज या फिर रिसेट कर सकते हैं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन पे के यूपीआई पिन को किस तरह से चेंज या फिर रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे अपने फोन पे के यूपीआई पिन को रीसेट या फिर चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, यदि आप अपने फोन पे के यूपीआई पिन को भूल चुके हैं और आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली आ जाना है अपने फोन पे अकाउंट में। दोस्तों, फोन पे अकाउंट में आने के बाद आपको नीचे माई मनी का ऑप्शन मिलेगा, आपको दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए अपने बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर ये देखिए यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहला रीसेट का और दूसरा मिलेगा यहां पर चेंज का। तो दोस्तों, यदि आप चेंज ही करना चाहते हैं तो आपको चेंज करने के लिए सिंपली चेंज पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई पिन को चेंज करने के लिए आपको पुराना वाला यूपीआई पिन याद होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको पुराना वाला पिन याद नहीं है और आप रीसेट ही करना चाहते हैं अपने यूपीआई पिन को, तो आपको सिंपली रीसेट पर क्लिक करना है। दोस्तों, रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर ये देखिए एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डाल देने हैं, यानी अंक डाल देने हैं। जैसे दोस्तों, मैं अपने एटीएम कार्ड के नंबर के यहाँ पर लास्ट के 6 अंक डाल देता हूँ, आपको भी दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 अंक डाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पर वैलिड अप टू डेट डालनी है, यानी अपने एटीएम कार्ड की एक्सपायर डेट डालनी है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिकली डल जाएगा। दोस्तों, ओटीपी डलने के बाद आपको नीचे अपने एटीएम कार्ड के पिन को डालना है। दोस्तों, यहां पर अपने एटीएम कार्ड के पिन को डालने के बाद जैसे ही आप नीचे सही के निशान पर क्लिक करेंगे, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर ये देखिए सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको अपने उस पिन को डाल देना है जो पिन दोस्तों अब आप अपना फोन पे का बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना न्यू यूपीआई पिन डालने के बाद आपको नीचे सही पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सही के निशान पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको फिर से अपना यही न्यू वाला पिन डालना है और उसके बाद आपको फिर से सही के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सही के निशान पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके फोन पे अकाउंट का यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। दोस्तों, ये मुझे स्क्रीनशॉट से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक हो रहा है, ये सिक्योरिटी के कारण होता है। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह के ही ऑप्शन आएंगे तो आप इस तरह से अपने फोन पे के यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, आपको वह वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो दोस्तों यदि आप भी अपने फोन पे के इस यूपीआई पिन को भूल जाते हैं या फिर भूल चुके हैं तो आप इस तरह से अपने यूपीआई पिन को रीसेट या फिर चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।